नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले यानी जोरंडा कोषागार के मामले में रांची के जेल में सजा काट रहे हैं। हालांकि उनकी तबियत काफी बिगड़ी हुई है, जिस वजह से रांची के रिम्स में वो इलाजरत है। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के तरफ से उनकी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके बाद अभी सुनवाई चली हुई है। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें ने वाली है, वो भी इसलिए क्योंकि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और अब सीबीआई इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी करने वाली है। दरअसल जोरंडा कोषागार से अवैध निकासी में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चाईबासा कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मामले में नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई शुरू करने का फैसला ले लिया है। बताते चले कि झारखंड हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2020 को लालू प्रसाद यादव को चाईबासा कोषागार मामले में जमानत दे दिया था। उसके बाद 17 अप्रैल 2021 को लालू को दुमका कोषागार के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। सीबीआई ने उस समय झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका का विरोध किया था और जमानत मिलने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका भी दायर की थी। सीबीआई की दलील है कि लालू प्रसाद यादव को अलग अलग मामलों में अलग अलग सजा सुनाई गई है, इसलिए उनकी सजा अलग अलग ही चलेगी। पर झारखंड हाईकोर्ट ने इस नियम का सही तरीके से पालन नहीं किया। अब लालू प्रसाद यादव और सीबीआई के वकील की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाएगा कि झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत में नियमों का पालन किया गया है या नहीं। अगर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट गलत ठहराता है तो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। वो पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और तत्काल दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव को अब चारा घोटाले के पांचवें मामले में भी सजा सुनाई जा चुकी है। लगभग डेढ़ महीने पहले यानी 21 फरवरी को लालू प्रसाद यादव को जोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव न्यायिक हिरासत में ही है। तबियत खराब होने की वजह से उनके इलाज के लिए उन्हें रांची रिम्स से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। सीबीआई ने इस बात को साफ कह दिया है कि जब लालू प्रसाद यादव के अलग अलग मामले दर्ज हैं तो उन्हें अलग अलग मामलों के तहत ही अलग अलग सजा सुनाई जाए। ऐसे में पिछले साल झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को चाईबासा के मामले में जमानत दे दी थी, जिसका विरोध सीबीआई ने किया और उसके खिलाफ सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि सीबीआई के द्वारा जो याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले को गलत ठहराता है तो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही है। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।